लेकर आ रहा है डीडी किसान। किसान बदलते भारत की शान। डीडी किसान बदलते भारत की शान। होता है कि आप किसी एक खेती पर निर्भर नहीं होते, आपको एक के साथ कई प्रकार की खेती करनी पड़ती है। तो किसान गोवा में रहता है, जागरूक है, समझदार है और विज्ञान के साथ जुड़कर खेती करता है। चलिए आज के विज्ञान को और आज के किसान को समझने के लिए इसी कूड़ाघर से, अब आप यहाँ पर देखेंगे एक वृक्ष नहीं है, यहाँ पर आपको सुपारी मिल जाएगा, ब्लैक पेपर मिल जाएगा, नारियल मिल जाएगा, आपको यहाँ पर मसाले मिल जाएंगे और नहीं जाने कितनी और प्रकार की चीजें मिल जाएगी। उसको समझने के लिए चंद कदमों की दूरी इन्हीं जंगलों से होते हुए खेतों तक पहुँचते हैं। आप ही हमारी इस चर्चा का हिस्सा बनेगा, चलिए मेरे साथ। चौपाल के लिए तैयार, एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप। और आज हम यहाँ पर बात करेंगे प्राकृतिक खेती। और देखिए प्राकृतिक खेती जो है आज की जरूरत है, आज की समय की मांग है और आज ये ऐसी खेती है जो कम लागत में ज्यादा मुनाफा देती है, तभी तो हम किसानों की आमदनी बढ़ा सकते हैं। और हमारे साथ एग्रीकल्चर विभाग से भी सर बैठे हुए हैं, आत्मा से भी हमारे साथ महिलाएं जो है आत्मा का कार्यभार देखती है, तमाम किसान महिलाएं और हमारे साथ किसान बैठे हैं। मैं शुरुआत जो है आपसे ही करना चाहूंगी सर। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष गावकर है, मैं जोनल एग्रीकल्चर ऑफिस धार बंदोड़ा में काम करता हूँ। अच्छा, धार बंदोड़ा के लिए आपका एग्रीकल्चर विभाग क्या क्या काम करता है, क्या क्या योजनाएं हमारे किसानों तक पहुँचा रहा है? हमारा जो विभाग है वो पूरा धार बंदोड़ा के जो किसान है उनके लिए जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ गोवा के जो स्कीम्स है वो हर किसान के पास पहुंचाने का काम हमारे पूरी टीम करती है। रिवाइव करने के लिए भी हमारे डिपार्टमेंट से सब्सिडी मिलती है, वो सब हम हमारे धार बंदोड़ा के किसानों को पहुंचाते हैं। वैसा भी स्प्रिंकलर है, ड्रिप है, पंप सेट है, कुएं के लिए, फिर मशीनरी जो वीड कटर है, ट्रैक्टर है, पावर टिलर है, इन सबके लिए जो सब्सिडीज मिलती है वो ज्यादातर ज्यादा किसानों के पास पहुंचाने का काम हमारा पूरा डिपार्टमेंट करता है। गोवा में पूरा मतलब नया जो एरिया एक्सपांशन है उसके लिए भी सब्सिडी है, एश्योर्ड प्राइस मतलब उसके लिए भी सब्सिडी है, स्प्रिंकलर ड्रिप के लिए भी सब्सिडी है और जो विविध उपकरण है मशीनरीज है उनके लिए भी सब्सिडी देते हैं। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। मेरा नाम भरत नागेश सामंत है, मैं किसान धारबंदोड़ा का। मैंने 2015 से खेती शुरू की थी क्योंकि मैं एक मतलब उतना पढ़ा लिखा नहीं था, मतलब एग्रीकल्चर लाइन में नहीं था, एक बीकॉम पढ़ा था। बीकॉम पे क्या करने का सोच के हमारा एक खेत जो खाली खेत था उसमें कुछ करने के लिए डिपार्टमेंट में हमने अप्रोच किया, उन्होंने भी हमें बहुत बड़ा सपोर्ट किया। उसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा करके खेती शुरू की। हम पहला फ्लो वाटर से पानी देते थे, पानी फ्लो से देते थे, बाद में ध्यान में आया कि ड्रिप
का इस्तेमाल किया तो पानी कम लगता है और आदमी मतलब जो मजदूर लगते हैं वो भी कम लगते हैं। इसी कारण हमने वो से शुरू कर दिया। मगर वो टाइम क्या था 2015-16 में उतनी बड़ी मात्रा में इधर सब्जी की खेती नहीं हुआ करती थी, इसलिए हमें महाराष्ट्र कर्नाटक में जाना पड़ता था क्योंकि वो एक बहुत बड़े हमारे राज्य जो खेती करते उनसे जाके कुछ सीखने को मिला। उसके बाद हमने यहाँ पे ट्रिप मल्चिंग और मशीनरी का यूज़ किया, मशीनरी के इससे हमने खेती शुरू की। पहले हमने भिंडी से शुरू की, बाद में हमने मिर्ची लगवाई मतलब ग्रीन चिलीज, बाद में हमने वाटरमेलन लगाया, बाद में कैरेट जो गाजर एक रहता था गोवा में नहीं होता था ऐसा सब लोग बोलते थे, वो भी हमने सक्सेस कर दिया और वो 3-4 साल से वहीं कर रहे हैं गाजर की खेती भी। बाद में हमने उसके बाद हमारा जो एक लोकल अलसांदो करके रहता है किडनी बीन्स जो वो भी हमने लगाया क्योंकि वो गोवा में ही फेमस है, उसका रेट 250-300 रुपए की जैसे वो बिकता है, वो भी हमने लगाया। हमने मैरी गोल्ड जो कुछ हो सकता है आज के दिनों में गोवा में जो हो सकता है वो सब हम ट्राई करते हैं। अच्छा, जो नहीं हो सकता वो भी आपने ट्राई किया मुझे लगता है। हाँ, छोड़ा नहीं आपने? कुछ नहीं छोड़ा है और अभी हम कैबेज भी लगा रहे हैं, मतलब हम सबसे ज्यादा कैबेज यहाँ पे उगाते हैं, मतलब हमारा जो साल में टर्नओवर रहता है वो 150-200 टन के ऊपर ही रहता है। मतलब सब्जी जो हम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को देते हैं, एक गोवा में एक ही एक राज्य है गोवा जहाँ हमारी सब्जी गवर्नमेंट ही लिया करता है और वो एश्योर प्राइस देता है। जनवरी से दिसंबर तक हमारा जो सब्जी लेगा वो एक रेट फिक्स रहता है, हमको गोवा गवर्नमेंट एश्योर प्राइस देता है और किसानों को आगे बढ़ने के लिए मदद कर रहा है। अच्छा, आपने कहा कि सालाना आपने कई टर्नओवर की बात की, आपने बहुत अलग अलग प्रकार की हॉर्टिकल्चर में जैसे सब्जियां लगाई, कोई अवार्ड मिला है आज तक आपको? हाँ, मतलब 2019 में कृषि रत्न मिला है मोदी जी के साथ, मोदी जी ने भी हमारा सम्मान किया है जब वो गोवा में आए थे। आपका क्या नाम? आप खेती बाड़ी में ऐसा क्या करते हैं? मैं अभी जैसे कि नए तरीके से अभी ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग वगैरह डाल के खेती करता हूँ। अभी हम लोग कभी बाहर से जो आता है वो सब्जी खा के देता है, केमिकल वगैरह ज्यादा रहता है, तो इधर गोवा में थोड़ा अच्छा देने का करके हम लोग इधर खेती के लिए इंटरेस्ट लिया और तब से हम लोग अभी कंपोज वगैरह डाल के गाय का गोबर और उसमें ये सब डाल के खेती कर रहे हैं। जी, कब से शुरू की आपने प्राकृतिक खेती? कम से कम मेरे को लगता है अभी 10 साल हुआ। 10 साल प्राकृतिक खेती तो स्टार्टिंग के 2-3 साल, उसके बाद तो उत्पादन में मुझे नहीं लगता कि कमी आती होगी। नहीं आती। मैं भिंडी लगाता हूँ, कुकुम्बर लगाता हूँ, वाटरमेलन लगाता हूँ, जैसे कि कस्टर्ड बीन जैसा बोलते हैं, बीन्स बोलते हैं, वो भी लगाते हैं हम लोग। तो उसमें कुछ ऐसा ज्यादा फंगीसाइड वाला नहीं होता है क्यों, इतना हमारा जो माउंटेन हिल्स एरिया है तो उस पर कीट का पोजिशन ज्यादा लगने का चांस ज्यादा नहीं है। ठीक है, बैठ जाइए। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयूरा भावे है, मैं ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर अपना साउथ के अंतर्गत काम कर रही हूँ, जोनल एग्रीकल्चर ऑफिस धारबंदोड़ा टेक्नोलॉजी। हाँ, हमारा किसान इसको अपना पा रहा है आज का किसान? हाँ, किसान के लिए अभी जो गैप्स है, किसान जब खेती करता है तो उनको जो डिफिकल्टीज आती है वो सब गैप फिलिंग करना हमारा काम है। उनको जो जरूरत है, जो टेक्नोलॉजी उनको देनी चाहिए हमें, वो उन तक पहुंचाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और कुछ हद तक हम सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो क्या क्या हमारे किसानों के घरों तक पहुंचा दिया आपने और किस तरह पहुंचाते हैं, माध्यम क्या होता है, उनके घर घर जाकर किस तरह जानकारी देते हैं? हाँ, एक्चुअली हमारा जो आत्मा है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, इसके अंतर्गत हमारे बहुत सारे ट्रेनिंग्स रहते हैं, ट्रेनिंग्स एक्सपोजर विजिट्स रहते हैं, जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं हमारे गोवा में या गोवा के बाहर उनके खेत पे जाके हम लोग हमारे फार्मर्स को लेके उनके खेत के साथ एक्सपोजर करते हैं। उधर महाराष्ट्र में वो क्या खेती करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे उत्पादन बढ़ाते हैं, ये सब जो टेक्निक्स है टेक्नोलॉजीज है वो महाराष्ट्र के फार्मर्स इनके साथ शेयर करते हैं और इसकी वजह से हमारे फार्मर्स को थोड़ी आइडिया मिलती है और वो उसी तरह से अपने खेत में उसका प्रैक्टिकल करते हैं। ये छोड़ के हम लोग जो नई वैरायटीज जो कुछ आती है वो हमारे फार्मर्स को उनके खेत में ट्रायल करने के लिए देती है जिससे उत्पादन उनका बढ़ सके। जी, तो इसका फायदा हमारे किसानों को हुआ है? हाँ, हो रहा है। ठीक है,
बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। जी प्रीति जी, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम प्रीति प्रसाद नायक है। मैं आत्मा के अंडर असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर काम कर रही हूँ। जो हमारी महिलाएं हैं ग्रुप में जुड़कर अपने जो खेतों में होता है, क्या उनको प्रोसेस करके मार्केट में बेच रही हैं? और अगर बेच रही है तो क्या क्या? हाँ, बेच रही हैं। अभी वो मसाला कर रही हैं, वैल्यू एडिशन के प्रोडक्ट जैसे चिप्स करना, जैक फ्रूट का चिप्स करना, मिल्क से वैल्यू एडिशन करके वो मिठाइयाँ बना रही हैं। कई महिलाओं को हमने बचत ग्रुप के महिलाओं को ट्रेनिंग्स दी थी, अब वो प्रोसेसिंग करके बेच रही है। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत अच्छा, अगर विभाग ऐसे ही काम करेगा तो निश्चित है कि हमारी जो महिलाएं हैं, हमारे जो किसान हैं, वो तरक्की तय है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती गाउस है, मैं सहायक कृषि अधिकारी के पद पे। अच्छा, आपका क्या काम रहता है? क्योंकि हमारे जो किसान है शहर से बहुत दूर है और दिल्ली तो 2000 किलोमीटर हो गया, तो दिल्ली में जो योजनाएं बनती हैं, जो किसानों के लिए जानकारी होती है, वो किसानों तक कैसे पहुंचाते हैं आप? हम हर एक पंचायत और जो भी फार्मर्स की मीटिंग होती है, सभी में जो भी स्कीम्स है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की, गोवा गवर्नमेंट की, ये सब फार्मर्स को बताने का प्रयास करते हैं उनको, वो कैसे इन सब सब्सिडी का कैसे लाभ ले सकते हैं, उन उस पर उनको गाइड करते हैं जी। तो डिजिटल होता है माध्यम, या ट्रेनिंग के माध्यम से, या उनके घर घर जाकर कैसे लोगों से कैसे जुड़ते हैं आप? जहाँ भी लोग इकट्ठा होते हैं, हम वहाँ जाके जैसे कि मीटिंग्स, ग्राम सभा होती है, वहाँ जाके हम सब स्कीम्स बताते हैं। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। यानी कि देखिए, माध्यम जो भी हो लेकिन कोशिश रहती है कि हर किसान तक आप पहुँचे, और इस कोशिश में कामयाब हमारा यहाँ का विभाग जो है वो हो रहा है। गोवा के ऐसे गांव में पहुंच रहे हैं जिस गांव तक दूर दूर तक कोई नहीं पहुंच पाता है। कोशिश है कि ऐसे गांव से जाकर आप जानकारी लेके आइए जो खेती को करते हैं लेकिन खेती के बारे में कोई जानता नहीं है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फोन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुँचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी जा रही पराली प्रबंधन योजनाओं का लाभ उठाएं। पराली ना जलाएं, पर्यावरण और स्वास्थ्य को बचाएं। वासियों का, धार बंदोड़ा वासियों का स्वागत करते हैं। इस गांव को समझिएगा, इस गांव के मसाले बड़े फेमस है, इस गांव का काजू, इस गांव के नारियल और इस गांव की सुपारी वो आप तक पहुंचती है। लेकिन आज आपको पता चलेगा कि ये मेहनत करने वाले लोग हैं कौन। आप फिर हुई मेरा नाम राजेंद्र प्रभु देसाई है। मैं संगोट गाँव का रहने वाला हूँ। सिक्स किलोमीटर है धार बंदोड़ा, हमारा तालुका है। इस बरस मैंने पेड़ी धान लगाया है, पाँच एकड़। और धान वो कट करने के बाद हम गोवा बागायत में बेचता है, उधर हमको सब्सिडी भी मिलता है, बहुत भाव भी मिलता है। ऐसा ही मेरे पास और भिंडी बेची है, मिर्ची है, वो हम हॉर्टिकल्चर को बेचता है। हॉर्टिकल्चर का काम क्या है, वो पहला ही अप्रैल महीने में हमको सबका रेट डिक्लेयर करता है, बाद में क्या मांगता है, क्या लगाने का किस फायदा हुआ, ये देखकर हम वो प्रोडक्ट लगाता है। अच्छा, प्राकृतिक तरीके से या फिर यूरिया वाली खेती होती है? नहीं नहीं, प्राकृतिक सब ड्रिप सिस्टम रहता है, ड्रिप सिस्टम से ही सब कुछ उसको खाद भी था। यानी कि पानी बचाने का काम भी आपने किया है? हाँ, काम किया है, वो भी हमको 90% सब्सिडी मिला है गवर्नमेंट तरफ से।
बनाने को। ठीक है, बैठ जाए, बहुत जानकारी है। किसने कहा कि हमारे किसान यहाँ पर जानकार नहीं है? नमस्कार जी। नमस्कार, मेरा नाम रेशमा गाँव मकन गाँव को रहा है। मैं एक किसान भी हूँ और एक महिला के अध्यक्ष भी हूँ, महिला ग्रुप का अध्यक्ष भी हूँ। और मैं किसान की तरफ से, मेरा सुपारी है, केले है, नारियल है, बहुत से है, बहुत सी बागियाती बड़ी है मेरी। और ग्रुप से, सेल्फ हेल्प ग्रुप से मैं एक अध्यक्ष से काम करती हूँ। और मैं वो अध्यक्ष के वो मैं वो ऑर्गेनिक कंपोस्ट वो खाद है ना, उसका मैं एक बड़ा सा वो 700 kg खाद निकालता हूँ। और गांव-गांव पहले मैंने गांव-गांव में भेजा, बाद में वो आत्मा साथ और एग्रीकल्चर के सपोर्ट से हमने वो गांव से बाहर भी भेजना शुरू किया। और किसान की तरफ से मैं मेरी खेती से मेरा वो सुपारी है ना वो भाग्यादर फोंडा में बिक जाती हूँ। और मैं वो महिला को लेकर मैं मीटिंग वो साउथ की आत्मा से मीटिंग ट्रेनिंग से भी वो जुड़ा हुआ हूँ। और ट्रेनिंग से हमको दूध पसंद से पेड़ा करने को मिला है। और वो सब्जी उगलने को उसने बोला, वो भी हमने उगाला। और गेंदों का भी वो तरबूज मिर्ची सब हमने उगल कर वो जून महीने में उगाला है। और अगस्त महीने को वो हमने सबको वो कि हमारे गोवा से किसान लोग हैं उसे हमने व्हाट्सएप पे डाला और बहुत से लोगों ने हमको रिप्लाई भी किया। और वो गांव-गांव में वो हमारे घर में आकर वो लेके गया। कितनी जानकारी आपने हमें दी। आपने बार बार कहा मैं किसान महिला भी हूँ और मैं ग्रुप की अध्यक्ष भी हूँ। पहले में और आज में कितना बदलाव हो गया महिलाओं में? पहले में वो मैं कुछ भी नहीं करती थी बाद में शादी करके आया, मेरा वो पति ने मुझे वो ग्रुप में जाने को कहा। मैं वो उधर से थोड़ा बाद में ऐसा वो लज्जा देती थी, वो शर्मा देती थी। बाद में थोड़ा आगे जाकर वो मीटिंग में जाती थी। आत्मा साउथ की तरफ से और गोवा के एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट से हमको कृषि कार्ड को भी करने को मिला है। और वो ग्रुप से भी हमको रजिस्टर करने को मिला है। उधर से हम थोड़ा आगे बहुत आगे गई। अच्छा, धार बंदोड़ा गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर है? आत्मनिर्भर है, हम सब आत्मनिर्भर है। अच्छा, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारी महिलाएं अब बहुत आगे बढ़ गई, उन्हें आगे बढ़ाना है, उनकी आमदनी बढ़ाना है, ये बात सच है? सच है, वो सच है। अच्छा, ठीक है, बैठ जाइए, बहुत अच्छी जानकारी, तालियां भाई इनके लिए। एक बार बहुत अच्छी बात बताइए आपने। नमस्कार जी। अच्छा रमाकांत जी, प्राकृतिक खेती, यहाँ मैंने देखा कि हर कोई प्राकृतिक खेती की तरफ जा रहा है, लेकिन धार बंदोड़ा गांव के पूरा ऑर्गेनिक पर है, प्राकृतिक कर रहा है? सब धार बंदोड़ा ऑर्गेनिक पर है। अच्छा, प्राकृतिक खेती करते हैं। अच्छा, मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पर जो महिलाएं हैं जो काम करती हैं, ग्रुप से जुड़ी हुई है, चाहे वो अपना प्रोसेस करके मार्केट में जो आमदनी बढ़ाने का काम करती है, पुरुषों का कितना सपोर्ट रहता है? मैं अपने बीवी को बहुत सपोर्ट करता है, हम नौकरी करता है, बाद में हम किसान कार्ड भी है हमारा, और बीवी को बहुत सपोर्ट करता है। और क्या नौकरी करते हैं आप? हम संजीवनी सुधा फैक्ट्री में। अच्छा, उधर तो आप नौकरी करते हैं और आपकी बीवी? बीवी कुछ नहीं करते, घर में किसान का काम करती है। क्या समूह से जुड़ी है? सपोर्ट करता है, किसान में जुड़े है। क्या सपोर्ट करते हैं आप? उसका खेती में कुछ करने का काम करता है, मैं सपोर्ट करता हूँ। सरकार से क्या क्या सुविधाएं मिली हैं? सरकार से सब्सिडी मिलता है सुपारी का, नारियल का। ठीक है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। अब और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई हैं, उनसे लेते हैं क्या कुछ वो कहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सौरभ कामत। सौरभ जी, प्राकृतिक खेती क्यों जरूरी है? और देखिए, मैंने देखा है कि इतने पहाड़ी जगहों पर भी यूरिया का प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब यूरिया हर घर पहुँच गया है। हम लोग यहाँ पे ये प्राकृतिक खेती करते हैं, हम लोग यूरिया का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उससे आगे का जो प्रोडक्शन रहता है वो बहुत मतलब लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन रहता है, तो इसके लिए हम लोग प्राकृति नहीं जाते, हम लोग यूरिया का इस्तेमाल नहीं करते। कि जमीन का जो ये रहता है वो भी इसका मतलब जो फर्टिलिटी रहती है वो बरकरार रहती है, तो इसलिए हम लोग प्राकृतिक खेती ही करते हैं। और गवर्नमेंट की कितनी यहाँ पर गवर्नमेंट का पहुंच रही है? बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है गवर्नमेंट का, यहाँ का हर चीज में हमको सब्सिडी से रहती है, ऑफिसर्स की तरफ से हमेशा मदद मिलती है, या जो भी कोई नई योजनाएं आते हैं वो हम तक पहुँचाते हैं, हमको अवेयर करते हैं, और बाकी सारी चीजें भी सब रहे, हम लोग को खाद भी मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, प्राकृतिक खाद मिलता है, अच्छी खेती करने के लिए। चलिए बैठिए।
आपका गांव इस गांव से कितना दूर है? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पर कम से कम 15-20 किलोमीटर के आसपास के गांव के किसान एक ही छत के नीचे बैठे हैं, यानी एक ही वृक्ष के नीचे। और ऐसी चौपालें सिर्फ गांव में हो सकती है। अब धूप का मिजाज देखिए, कभी कम कभी ज्यादा, तो यहाँ मौसम का समझ में नहीं आता है। क्या लगाते हैं आप? कूड़ाघर है। अब हमारे शहर वाले कूड़ाघर समझ नहीं पाएंगे। कूड़ाघर का मतलब होता है एक ही खेती में कितनी चीजें लगाते हैं आप? नारियल, सुपारी, इतनी सारी चीजें लगाने का क्या तात्पर्य, क्या मतलब है? अगर एक में नुकसान हो जाए तो? एक से नुकसान हो जाए तो दूसरे का फल मिलता है। जी, यही पूछना चाह रही। कूड़ाघर का मतलब यही होता है कि अगर आपदा भी आ गई, एक में नुकसान हो गया, जानवरों ने परेशान कर दिया, तो बाकी से आप बाकी तो मिलता है। मिलता है प्राकृतिक तरीके से, फुल प्राकृतिक। आप आत्मा नाबार्ड केवी के कृषि विज्ञान ये एग्रीकल्चर जानते हैं? जानते हैं, ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रियंका नाइक है। मैंने बीएससी एग्रीकल्चर किया है और हमारा फार्म है धारबंदूरा तालुका के मौलियम गांव में, संगोड़ गांव करके। अच्छा प्रियंका जी, एग्रीकल्चर की पढ़ाई करके अगर हम खेती करें तो खेती में कितना परिवर्तन हो सकता है? खेती में बहुत परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि हम लोग साइंटिफिक वे में भी जा सकते हैं, क्योंकि अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं। आप अपने फार्म में क्या क्या ऐसा कर रही हैं जो उदाहरण बन रहा है बाकी किसानों के लिए? हाँ, हमारा फार्म पूरा प्राकृतिक खेती में जा रहा है और हमारे फार्म में इंटीग्रेटेड फार्मिंग है, जिसमें हम डेयरी भी इसका गाय का पोषण भी कर रहे हैं, फिर उसके साथ साथ मधुपालन भी है, वर्मी कंपोस्ट भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमारा प्राकृतिक के प्रकार से हमारा नर्सरी भी है, जो गोवा के जो लोकल वैरायटीज है, जो गोवा का ओरिजिनल वैरायटी है, उसको ही आगे बढ़कर ले जा रहे हैं हम लोग। इतना बदलाव खेती में, वो भी गांव में कैसे आया? हमारे प्रधानमंत्री अभी एग्रीकल्चर पे इतना फोकस दे रहे हैं, स्पेशली हमारे डिपार्टमेंट को भी इतना प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हर किसान को उनका अटेंशन मिलता है। और हमारे प्रधानमंत्री का जो स्कीम्स है, स्पेशली गोवा में जो एग्रीकल्चर में जो स्कीम आया है, वो बहुत अच्छे स्कीम्स हैं कि कोई भी लोकल आदमी उसको इजीली अवेलेबल कर सकता है और उसको प्रयोग भी कर सकता है। और हमारे डिपार्टमेंट तो इतना ध्यान देते हैं किसान भाइयों को कि कभी भी कोई मदद चाहिए तो कभी भी उनके दरवाजे पर जा सकते हैं। सो इतना हमारा उनके साथ अच्छा जमता है कि एक डिपार्टमेंट के साथ किसानों का, कि उनको कोई भी मदद चाहिए तो कभी भी मिल सकती है। क्या खेती नौकरी से ज़्यादा पैसा दे सकती है? हाँ, श्योर दे सकती है। मैं हमारे फार्म का एग्जांपल लेके बोल सकती हूँ कि मैं और मेरा पति दोनों हम बीएससी एग्रीकल्चर करके आए हैं। हमने कभी भी गवर्नमेंट जॉब का नहीं सोचा, हम सिर्फ फार्मिंग में बिजनेस कैसे ला सकते हैं और दूसरों को भी कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। ठीक है, इससे देखिए, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी है। देखिए, खेती बिजनेस बन सकता है, सरकार की सुविधाएं योजनाएं आप तक पहुंच रही है, विभाग पहुंच रहा है आप तक, कोई समस्या नहीं है? नहीं, सच बोल रहा है, सच बोल रहा है। आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी पहले से? पिछले कुछ सालों की बात करें, थोड़ा परिवर्तन आया है? परिवर्तन आया, बहुत परिवर्तन आया, बहुत परिवर्तन। ठीक है, बैठिए, बहुत परिवर्तन की बात हो रही है। और भी हमारे यहाँ पर जो सर है उनसे भी बात करूंगी। सर, क्या नाम है आपका? संजीत है, संजीत नाइक। खेती में क्या करते हैं? खेती में हमारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग है, मतलब कूड़ाघर ही है। कूड़ाघर करने की क्यों जरूरत पड़ रही है और कूड़ाघर का पूरा मतलब? कूड़ाघर करने की जरूरत है क्योंकि अगर समय की क्लाइमेटिक कंडीशन आ गए, डिफरेंसेस हो गया, तो एक क्रॉप अगर लॉस में गया तो दूसरा क्रॉप उसको उठा के लेता है, तो कभी भी हमको नुकसान ऐसे नहीं होता। सेकेंड थिंग, हम लोग मल्टी लेवल का क्रॉपिंग कर सकते हैं, बोले तो एकदम नीचे ग्राउंड लेवल पे हम लोग टर्मरिक स्पाइसेस लगा सकते हैं, उसके बाद में हम लोग जो सुपारी लगाया हुआ है या अभी नारियल का झाड़ लगाया हुआ है, उस पर हम लोग मिरी चढ़ा सकते हैं, तो एक ही साथ में हमको एक ही जगह पे तीन तीन क्रॉप का इनकम मिल सकता है। तो आप खेती पढ़ाई करके कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं? खेती तो मैं पढ़ाई किया हुआ है, लेकिन हमारा पूरा पूर्वजों का जो है वो खेती में ही है, तो इसीलिए खेती का इंटरेस्ट था, इसलिए खेती पढ़ाई में लेके वो अच्छा सिस्टमेटिक वे से कर रहा हूँ और बाकी का लोगों को भी सिखा रहा हूँ। धन्यवाद। तो देखिए, आज की खेती को समझ रहे थे, आज इस गांव को समझ रहे थे और बात प्राकृतिक खेती पर कर रहे थे। प्राकृतिक खेती क्यों जरूरी है हमारा किसान समझ गया है। आज की चर्चा जो है वो धार बहादुरा से चल रही थी, आज की चर्चा प्राकृतिक खेती पर हो रही है।
हमारा किसान जागरूक है, समझदार है, विज्ञान से जुड़कर खेती कर रहा है। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन यहीं नहीं रुकेंगे और गांव में चलेंगे, पूरे गोवा को समझेंगे किस तरह से विज्ञान और सरकारी योजनाएं गांव और थातल तक पहुंचेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। अगर ये कार्यक्रम टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।